हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि बेटा आपको पता है, मैंने अभी आपको लेसन पढ़ाया था, लेसन 9 चिड़िया की बच्ची, उसकी जो है मैंने आपको रीडिंग दी थी। और उससे पहले जो है मैंने आपको उसके वर्ड मीनिंग भी ये बताई है, मैंने जो जो उसके बीच में आए हैं और इसमें लेसन में अलंकार किस तरीके से आ सकते हैं उसके बारे में भी मैंने आपके सामने वर्णन किया है। तो आपने भी, मुझे आशा है कि आपने भी रीडिंग की होगी, और जिन बच्चों ने रीडिंग नहीं की है तो वे बच्चा अवश्य कर लेंगे, ठीक है ना। तो आगे मैं इसमें बताना चाहूँगी कि इसमें जैसे आपने देखा चिड़िया की बच्ची के बारे में वर्णन किया गया है, जैसे इस कहानी का पूरा एक तरीके से सार हमें जैसे कहा जा सकता है कि इससे क्या शिक्षा मिलती है, तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस कहानी से जो है बेटा हमने देखा कि एक पक्षी जो चिड़िया की बच्ची थी, वो एक पक्षी होने के नाते थी अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर, यानी कि माधव दास के वहाँ उस चिड़िया को सारी सुख सुविधा भी मिल रही थी, तो उन सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर वो समय पर, यानी कि अपने समय पर अपनी माँ के घर लौट जाना चाहती थी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एक पक्षी होने के नाते ही इतने अनुशासन में है कि समय अनुशासन, यानी कि समय पर ही अपने घर में लौट जाती है। ठीक उसी प्रकार जो है आपने कभी देखा होगा कि चींटी जो छोटी चींटी होती है वो भी कितने अनुशासन में रहती है। आपने देखा होगा एक लंबी लाइन में जो है बिल्कुल लाइन में चलती है, और दीवार पे भी आपने लाइनों में ही देखा होगा। तो इससे जो है, इस लेसन से हमें अनुशासन किस तरीके से हमें उसका पालन करना चाहिए, यानी कि मम्मी पापा घर पे नहीं है तो हम आज़ाद हो जाए, तो हमें अनुशासन में ही रहना चाहिए। तो चींटी का भी एक बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है इसमें कि वो किस तरीके से, उन्हें कोई जाकर तो बोलता नहीं है कि तुम लाइन में चलो, नहीं ना। तो यानी कि वो एक नादान पशु पक्षी होने के कारण भी जो है इतने अपने अनुशासन में चलता है। तो इसमें जो है एक उदाहरण आप और भी ले सकते हैं कि सूरज जो है अपना प्रातःकाल जो अपने अनुशासन में रहकर, यानी कि प्रकृति भी जो है अनुशासन में रहती है, और वो सुबह निकलता है और शाम को जो है अस्त हो जाता है। तो इससे जो है हमें इस लेसन से कि चिड़िया की बच्ची अपनी माँ की चिंता करते हुए और सारी माधव दास के यहाँ जो है सुख सुविधाएँ छोड़कर जो है अपनी माँ के पास ही जाना चाहती है। तो चींटी भी ठीक उसी प्रकार जैसे अपने दाने पानी के लिए सुबह निकलती है, तो शाम को जो है अपनी एक लाइन बनाकर अनुशासनबद्धता से जो है वो स्वाभाविक रूप से अनुशासन का रूप आपको जो है देखने को मिलता है। और आप ये भी बता सकते हैं कि जो है अनुशासन हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, उदाहरण देकर भी जो है आप इनको बता सकते हो। जैसे मैंने आपके सामने जो है मधुमक्खियाँ जैसे अपने छत्ते से उड़कर भिन्न भिन्न तरीके के फूलों पर बैठती है, मंडराती है, और जो है फूलों का रस चूसकर फिर अपने, यानी कि घर में वापस छत्ते पर लौट जाती है। ठीक उसी तरीके से चींटियों का भी मैंने आपको जिक्र किया है, एक उदाहरण दिया है। ठीक उसी तरह जो है हमारे ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, जो कि प्रकृति ही अन्य विभिन्न चीज़ें, जैसे मैंने सूरज का भी एक उदाहरण आपके सामने रखा है, जो अनुशासन में बंध कर जो है अपना कार्य करते हैं, अनुशासन में रहकर अपना जो है पूरा रूप दिखाते हैं। तो मेरी आशा है कि आप भी जो है अनुशासन का पालन करें, और इस पाठ से जो है हमें अनुशासन का पालन करना चाहिए। ये जो है हमें इस तरीके से भिन्न भिन्न पाठ हमें ऐसे दिए गए हैं
कि जो है हम उनका जो है उनसे कुछ सीख ले सके, अपने जीवन में जो है कुछ सीख प्रदान कर सकते हैं। तो अनुशासन का जैसे बेटा आपके सामने आया है कि अनुशासन, तो आपका हिंदी में ही ग्रामर में एक ऐसे निबंध, ऐसे मीन्स निबंध जो है प्रस्ताव आप का आया भी होगा, मैंने करवाया भी होगा, अनुशासन विद्यार्थी और अनुशासन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो अनुशासन में आप ये भी ऐड कर सकते हो। तो ये आपका इसमें जो है सहयोग देगा, विद्यार्थी और अनुशासन यानी कि जो प्रस्ताव है उसमें भी ये लेसन आपको सहयोग दे सकता है। आगे जो है हम बेटा और मैं बात बताना चाहूँगी कि जैसे चिड़िया की बच्ची है वो एक अकेले कमरे में, उसको एक अकेले जो घूमने फिरने वाली है, इधर से उधर उड़ने वाली है, स्वतंत्रता स्वतंत्र रूप में रहती है, उसको किसी भी प्रकार का जो है बंधन नहीं है, तो अकेले एक कोठरी में या एक पिंजरे में कैसे बंद रह सकती है। भले ही चाहे वह पिंजरा उसका जो है माधवदास ने सोने का ही क्यों न बनवा दे या सोने का घर ही क्यों न बनवा दे, लेकिन कौन चाहेगा कि वो परतंत्र रहे, स्वतंत्र ना रहे, चाहे उसे कितने भी सुख सुविधाएं क्यों ना मिले। लेकिन उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको जो है एक कमरे में अगर बंद कर दिया जाए और सारी सुख सुविधाएं जो हैं आपको दे दी जाए, तो आप जो है उस उन सब सुख सुविधाओं को त्याग कर बाहर की दुनिया में निकलना चाहोगे। तो ठीक उसी प्रकार जो है चिड़िया की बच्ची भी इन सभी सुख सुविधाओं को त्याग कर अपनी माँ की गोद में, अपनी माँ के उस घोंसले में, उस घर में रहना चाहती है जहाँ उसको आनंद प्राप्त होता है। जरूरी नहीं कि हमें जो है स्वतंत्रता धन दौलत या किसी विषय वस्तु से ही प्राप्त हो, हम रूखा सूखा खा कर भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो हमें जो है बेटा इस पाठ से यही शिक्षा मिली है कि हमें जो है स्वतंत्रता पसंद है जबकि हमें जो है परतंत्रता पसंद नहीं है, और एक अनुशासन की कि अगर बच्चा बाहर खेलने जाता भी है तो कुछ टाइम एक निश्चित होता है कि हम इस टाइम तक जो है बाहर खेलने जाएंगे और वापस इस टाइम पर जो है घर पर आ जाएंगे। तो उस चीज़ों को देखते हुए जो है हम अपने अनुशासन में रहे, अपने घर में रहे, तो ये जो चीज़ है सबसे अधिक महत्व रखती है। तो जब बेटा आप ये लेसन को पढ़ोगे तो ये सब जो है आपको इसमें दिखाई देगा। तो आप जो है आपने गौर किया होगा कि आपने गौर यानी कि देखा होगा कि मनुष्य पशु पक्षी इन तीनों में ही माएँ अपने बच्चों का पूरा पूरा ध्यान रखती है, चाहे वो पशु है या पक्षी है या मनुष्य की हैं, वे सभी जो हैं तीनों पशु पक्षी और मनुष्य जो हैं कि तीनों की माएँ जो हैं अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखती हैं, और प्रकृति की इस अद्भुत देन का अवलोकन कर जो है अपने शब्दों में आप इसको लिख सकते हैं, यानी कि इसकी एक्टिविटी भी आप बना सकते हैं। एक्टिविटी में जैसे तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या क्या कार्य करती है, तो उसमें जो है आप उनको दिखा सकते हैं कि आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपको जो है रक्षा के लिए कह सकते हैं या प्यार के लिए जो कहते हैं, माएँ बच्चों के प्रति क्या क्या करती हैं, वो जो है आप कोई 5 पंक्ति लिखेंगे क्रियाकलाप में, ठीक है। क्या करेंगे क्रियाकलाप में, क्या करेंगे आप, मैं आपको बता देती हूँ सामने से। Yeah.
क्रियाकलाप, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे एक्टिविटी। क्या बोलेंगे? एक्टिविटी। तो इसमें जो है आपकी माताएं बच्चों के लिए क्या क्या करती हैं दिन भर? Thank you.
अच्छा मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जैसे आपकी माँ आपके लिए क्या क्या करती है। चलो खैर मैं बता देती हूँ आपको कि आपकी माँ जो है आपके लिए खाना बनाती है, कपड़े धोती है, आपका जो है लंच बॉक्स स्कूल के लिए तैयार करती है, आपके नाखून काटती है, आपका जो है स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखती है, बच्चे को क्या खाने के लिए देना चाहिए और जो है क्या नहीं देना चाहिए, और यहाँ तक कि ऋतुओं के अनुसार बच्चे को कब कौन से कपड़े मैंने पहनाने हैं और कब जो है सर्दी के कपड़े पहनाने और कब जो है गर्मी को बच्चे को जो है कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। जो है मनुष्य यानी कि जो आपकी माताएं हैं आपके लिए ये सभी कार्य करती है, यहाँ तक कि आपका गृह कार्य भी कई बार जो है पूरा करवाती है। तो जैसे फिर पशु आपके सामने आता है तो पशु भी जो है जो माएँ होती है गाय भैंस होते हैं उनके बच्चे होते हैं, जैसे जो है वे जन्म लेते हैं तो उनको प्यार दुलार करने लगते हैं, और जो गाय भैंस होती है अपने बच्चे के बिना जो है दूध भी नहीं देती, उनको दूध अपना दूध पिलाकर जो है उनको बड़ा देखना चाहती है अपने सामने, और अगर उनको आप घास नहीं दोगे हरियाली का घास नहीं दोगे तो अपने बच्चे के साथ बाहर चरने के लिए भी जाएगी, यानी कि अपने बच्चे का पेट भरने के लिए भी जाएगी। अगर पशु गाय के पास अगर उसका बछड़ा जो है बंधा हुआ है तो आपने कई बार देखा होगा खोर में भी, तो घास जो होता है गायें अपना घास अपने बच्चे की ओर मुँह से फेंक देती है कि उसका बच्चा भूखा नहीं रह जाए। तो ये था पशु की, जैसे बछड़ा जो है गायें भैंस अपने बच्चों की कैसे रक्षा करती हैं, ठीक उसी प्रकार जो है शेरनी चीता वगैरह ऐसे तरीके से जो है अपने बच्चों का देखभाल करते हैं। कोई भी ऊँटनी ऊँट कोई भी पशु उसमें आ सकता है। तो जो है ये मैंने आपको उदाहरण बताया है, जो मैंने देखा है वो ही मैंने आपको क्लियर किया है। अगर आपने कुछ ऐसे पशु देखे हों जैसे आपने देखे होंगे तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। फिर है पक्षी, पक्षी का जो है चिड़िया होगी जैसे कबूतर वगैरह जैसे ये होगे, तो ये भी अपने बच्चों के लिए जो है घोंसला तैयार करते हैं कि उनको जो है गर्मी धूप से बचाने के लिए उनको जो है एकमात्र छाया मिल सके और बारिश से उनकी रक्षा की जा सके। और आपने देखा होगा कि जब उनके बच्चे पक्षियों के बच्चे जो होते हैं छोटे होते हैं तो वे उड़ नहीं सकते हैं, उनके पर नहीं होते हैं, विस्तृत पंख नहीं बने होते हैं, छोटे छोटे होते हैं तो वो उनमें इतनी शक्ति नहीं होती है, तो उनकी जो है माता पिता पक्षी जो होते हैं उनके लिए भोजन ग्रहण करने के लिए दाना चुगने के लिए सुबह से जो है निकल पड़ते हैं घर से, और अपने बच्चों के लिए जो है दाना एकत्रित करके इकट्ठा करके लेकर जो है वे आते हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। तो इस तरीके से जो है बच्चा आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है मैंने आपको सारा बता दिया है आप क्रियाकलाप में कैसे एक्टिविटी दिखा सकते हैं। आप जैसे पशु है, पशु के सामने कोई भी पशु जिसका आप जिसके बारे में आप लिखना चाहोगे वो पशु की एक्टिविटी बना सकते हैं। जैसे पक्षी है चिड़िया के बारे में आप लिखना चाहोगे तो वो भी जो है आप बना सकते हैं, बना सकते नहीं बनाना है। और ठीक उसी तरीके से मनुष्य छोटी गुड़िया छोटा लड़का आप सामने दर्शा सकते हो या कटिंग करके चित्र भी इसमें आप चिपका सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप एक्टिविटी ऐसे तैयार करेंगे। ये था आपका सेवन्थ क्लास में
लेसन 9, और लेसन 9 किस था, चिड़िया की बच्ची। इसमें जो है मैंने हर तरीके से इस लेसन को इस तरीके से आपको समझाया है कि आपको क्लियर हो जाए। मैं आपसे आशा करती हूँ कि सभी बच्चे जो हैं प्रतिदिन वीडियो देखेंगे और अपना जो है सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज यानी कि 31 अक्टूबर 7th क्लास में जो है बेटा मैंने आपको दो वीडियो दी है, इन वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे, इसमें कंप्लीट डिटेल्स आपको मैंने बताई है। तो किसी भी बच्चे की ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए कि जो है हमारे पास वीडियो नहीं गई। आप कोशिश करिएगा डेली प्रतिदिन जो है अपना वर्क कंप्लीट करेगा। आज के लिए 7th क्लास में इतना ही है हमारा।